India's nuclear capability just went to the next level in a huge boost. India ने एक मिशन दिव्यास्त्रा जो है वो कंप्लीट किया है. With this, India joins an elite group of nations. जिसमें बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल जो है जिसको टेस्ट किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी. इंडिया का अग्नि 5 मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी का हामिल मिसाइल है, यानी कि ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल है जो कि अपने साथ एक नहीं बल्कि कई न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है. ये अब इंडिया जो है जॉइंस द क्लब ऑफ द नेशंस व्हिच हैव दिस MIRV कैपेबिलिटी. रीडिंग नेशन इज अ लीडिंग नेशन और हम तो बहुत दूर हैं पढ़ने लिखने से. प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं फॉर मिशन दिव्यास्त्रा, वो एक खातून है. सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. इट मींस दैट इंडियन वुमेन आर एट पार. तो इंडिया की तरफ से जब भी कोई ऐसा कदम उठाया जाता है तो पाकिस्तान को ही कंसर्न शो होता है कि ये जाहिर है कि ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है पाकिस्तान के लिए कि ये जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ ना कहीं इस्तेमाल किया जाए ये वाला असलिया. जब इंडिया ने ये टेस्ट किया तो एक जो एक चाइनीज स्पाइस शिप जो है वो बे ऑफ बंगाल के करीब थी. मैंने एक दफा अपने एक कोलीग से पूछा, मैंने कहा कि पाकिस्तानी हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करते हैं. कहने लगा, हिंदू जो है ना अशोका के जमाने से मुसलमानों पे जुल्म करते आ रहे हैं. मुसलमानों पे जुल्म कर इस्लाम उसके कितने 100 साल बाद आया. आपको याद होगा जब हम ये मिसाइल टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो वो चाइनीज स्पाइस शिप आती जाती रहती थी. और मैं आपको बता दूं कि अभी एक डिफरेंस है, चाइनीज सैटेलाइट्स में कल एक ब्लैकआउट आता, हमारे 30-32 सैटेलाइट उस ऊपर है, कल कुछ ब्लैकआउट आता. कल हमने रात को टेस्ट की, रात को किस लिए टेस्ट की, चाइनीज स्पाइस शिप निकल गया था उसे डर के नहीं, बट रात को इसलिए चढ़ की ये मिसाइल जहाँ जा गई रात के अंधेरे में ये चांद की तरह चमकती हुई गई. लोगों ने तो इसकी फोटो भी खींची, म्यांमार की एक न्यूज एजेंसी उसने फोटो भी खींची इसकी, लाओस में, कंबोडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, काफी जगह जहां से लोगों ने फोटो खींच खींच के लगाई, म्यांमार की एजेंसी ने भी लगाई थी. कल हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया, क्योंकि माइलस्टोन क्या, देखिए माइलस्टोन यहाँ ये अग्नि 5 कॉमन नाम लगता है, कह रहे यार ये तो शुरू से टेस्ट हो रही क्या है. कल जो रेंज टेस्ट हुई है वो 5,500 किलोमीटर की हुई है, 5,400 5,500 किलोमीटर की. उस रेंज पे 5,000 किलोमीटर से जो आगे मिसाइल आप भेज पाते हो वो ICBM कहलाती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. तो उससे कम की जो होती है बैलिस्टिक मिसाइल होती है, दे मे नॉट बी क्वालिफाइड एज इंटरकॉन्टिनेंटल. और इसमें एक एक जो बॉम्ब्स को डिप्लॉय करने का सिस्टम है MRI भी है, जो मल्टीपल रेंट्री व्हीकल्स के थ्रू आप बॉम्ब को डिप्लॉय कर सकते हो, मल्टीपल वॉरहेड्स को डिप्लॉय कर सकते हो. तो कल एंड न्यूक्लियर कैपेबल ICBM विद MRIV सिस्टम वी हैव एंड वी हैव बिकम द फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव दिस कैपेबिलिटी. ये कैपेबिलिटी भी रशिया के पास है, अभी अमेरिका के पास है, चाइना कहता उसके पास है पर कुछ खास उसका डेमोंस्ट्रेशन किया नहीं है. और अगर माना कि चाइना के पास है भी तो वी आर द फोर्थ कंट्री टू हैव दैट. दोस्तों इंडिया ने एक मिशन दिव्यास्त्रा जो है वो कंप्लीट किया है, जिसमें बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल जो है जिसको टेस्ट किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी, विच मीन्स मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से बोलते हैं, मैं इसके ऊपर भी बात करता हूँ. और ये अब इंडिया जो है जॉइंस द क्लब ऑफ द नेशंस विच हैव दिस MIRV कैपेबिलिटी. सो ये बेसिकली सारे का सारा जो है ये जो सिस्टम है, एक तो इंडिजिनस एवियोनिक्स पे है, कहते हैं हाई एक्यूरेसी सेंसर्स हैं एंड ऑल दैट. और मजे की बात है ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं फॉर मिशन दिव्यास्त्रा वो एक खातून है. So that is something very important. It means that Indian women are at par when it comes to men in the Indian is industry ke andar. Ab mazey ki baat ye hai ke ye Prime Minister Modi ne ek badi announcement ki hai, first test karna Agni 5 missile ka with MIRV technology. और जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है. और सारी मुल्क जो है वो बड़ा खुश है कि DRDO साइंटिस्ट ने ये मिशन कंप्लीट किया है. और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी ट्वीट भी की है. और ये जो कहा जाता है कि ये जो मिसाइल है ये मल्टीपल वॉरहेड्स लेके जा सकता है डिफरेंट लोकेशंस में. और जैसे मैंने बताया कि इसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो एक खातून थी. और इंडिया अब इस वो सिलेक्ट ग्रुप्स में चला गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है. और इंडिया ने पिछले कुछ सालों में
एक सीरीज ऑफ टेस्ट किए थे अग्नि 5 की, अक्टूबर 2021 में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने अनाउंसमेंट की थी कि उन्होंने सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च किया था, और जो कि एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो ओडिशा में है वहाँ से उन्होंने किया था। इसी तरह ये जो इंडिया का मिसाइल का प्रोग्राम है ये बड़ा लंबा एक प्रोग्राम है, इसके ऊपर भी बात करते हैं कि ये बेसिकली जो, पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये जो MIRV कैपेबिलिटी है जिसे आप मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहते हैं, ये पेलोड एनेबल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं जो कि मल्टीपल वॉर हेड लेके जा सकते हैं, और हर जो जो होता है वो उसकी कैपेबिलिटी होती है वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स पे जो है वो टारगेट कर सकता है। सो इट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया इन माय अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों ये टेस्ट किए, ये एक सवाल है कि क्यों उन्होंने ये महसूस किया कि वी शुड टेस्ट दिस, इसकी क्या जो है वो लॉजिक है कि आज क्यों भारत को ये टेस्ट करना पड़ा। और सुनने में ये आता है कि जब इंडिया ने ये टेस्ट किया तो एक जो एक चाइनीज़ स्पाइस शिप जो है वो बे ऑफ बंगाल के करीब थी, और ये एक चीज़ जो है वो इंडियंस बार बार ये कह रहे हैं कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर सो इंडियन जो चाइनीज़ वेसल्स हैं जिन्हें वो ओशन सर्वे वेसल कहते हैं, होती वो ओशन सर्वे वेसल है बट द अमेरिकन एंड द रेस्ट ऑफ एंड द इंडियंस एंड मैनी से कि ये सारी की सारी स्पाई वेसल्स हैं। अब ये एक मज़ीद एक चैलेंज है अगर देखा जाए इस हवाले से। लेकिन अगर आप इंडिया की जो हिस्ट्री देखें मिसाइल सिस्टम की, कहा जाता है कि ये एंशियंट पीरियड में जाता है जब मिसाइल जो था दैट वाज नोन एज एन अस्त्रा, और एक टीपू सुल्तान के दौर में भी जो इंडिया ने कहा जाता है कि फर्स्ट रॉकेट अगेंस्ट द ब्रिटिश किया यूज़ किया था 18th सेंचुरी में जो कि एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई थी उस वक्त, और जो टीपू सुल्तान के जो मिसाइल रॉकेट से वो बैम्बू या स्टील स्पीयर्स के साथ जो उस वक्त जो है वो बने थे। और सो इट इंडिया की जो मिसाइल सिस्टम की जो जो हिस्ट्री है दैट गोज़ बैक टू 18th सेंचुरी, दिस इज़ व्हाट द इंडियन मिसाइल प्रोग्राम जो है वो कहता है। पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो जारी बात है पाकिस्तान ने भी सारे का सारा जो मिसाइल प्रोग्राम है वो फॉर इंडिया ही बनाया हुआ है, और ये कहा जाता है कि जो मिसाइल सिस्टम है ये गाइड जो इसकी जिसे कहते हैं ना कि ये डिफरेंट सिस्टम्स का बना होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स का बना होता है, नॉर्मली 4 सिस्टम का कंपोनेंट्स का बना होता है जिसमें एक मिसाइल गाइडेंस होती है, एक फ्लाइट सिस्टम होता है, इंजन होता है, वॉर हेड होता है, और फिर देन मिसाइल जो हैं वो उनको क्लासिफाई किया जाता है कि उनका यूज़ किस तरह का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर टू सर्फेस मिसाइल होता है, सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल होते हैं, जो सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल्स होते हैं वो बैलिस्टिक भी होते हैं, क्रूज भी होते हैं, एंटी शिप एंटी टैंक होते हैं, इस तरह सर्फेस टू एयर मिसाइल्स भी होते हैं, एंड देन एयर टू एयर मिसाइल्स भी होते हैं, देन एंटी सैटेलाइट वेपनरी मिसाइल्स भी होते हैं।